Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Dear students, today we will revise English topic from A to H. ठीक है, आज हम क्या revise करेंगे? A से लेकर H तक alphabets revise करेंगे, क्योंकि ये जो topic है आपके exams में भी cover किया गया है. So we will revise this topic for your exams. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले कौन सा अल्फाबेट लिखोगे आप? कहाँ से स्टार्ट करते हो? ए से, है ना? सो यू विल राइट ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल. पहले स्लैंटिंग लाइन लगानी है, फिर स्लैंटिंग लाइन और सेंटर में स्लीपिंग लाइन. क्या बन गया? ए, ए फॉर एप्पल. नेक्स्ट बी फॉर बॉल. कैसे लिखना है आपने? पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, फिर ऐसे कर्व. बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. नेक्स्ट बी के बाद क्या आता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट. क्या लिखोगे आप यहाँ पे? सी. सी कैसे लिखते हो? ऐसे कर्व बना के, ठीक है? सी फॉर कैट. ए बी सी. नेक्स्ट डी, डी फॉर डॉग. डी कैसे लिखोगे आप? पहले स्टैंडिंग लाइन ऐसे वन बना लेना, फिर ऐसे कर्व. ओके स्टूडेंट्स, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. Next क्या आता है? E, E for elephant. Standing line, फिर ऐसे sleeping line, फिर सेंटर में स्लीपिंग लाइन और ऊपर फिर स्लीपिंग लाइन. ए फॉर एलिफेंट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट. नेक्स्ट ई के बाद क्या आता है? एफ, F for fish, F for fish. Standing line लगानी है पहले, फिर ऐसे sleeping line, ऊपर भी और center में भी. Okay students, F for fish. Next क्या आता है? G, G for grapes. G कैसे लिखोगे आप? पहले ऐसे curve बना लेना, C जैसे, फिर ऐसे स्टैंडिंग लाइन, फिर थोड़ी सी ऐसे स्लीपिंग लाइन बीच में. ओके स्टूडेंट्स, जी फॉर ग्रेप्स. जी के बाद क्या आता है? नेक्स्ट एच, एच फॉर हॉर्स. पहले स्टैंडिंग लाइन वन बना लेना ऐसे, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर वन बना लेना. ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, H for horse. Okay students, आपने ये टॉपिक orally और written इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पे. ओके, और आपने ये अल्फाबेट्स लर्न भी करने हैं. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant,
F for fish. G for grapes. H for horse. Okay students, do its practice at your fear notebook. ठीक है, आपने ये fear notebook पे लिख के इसकी practice करनी है और ये alphabets आपने learn भी करने हैं. Thank you. Have a nice day.